उत्तराखंड देहरादून में कड़ी सर्दी को देखते हुए आज वार्ड नंबर 18 में इंदिरा कॉलोनी, चुक्कूवाला बस्ती और मानस मंदिर डोभालवाला में सेवा भारती मातृ मंडल और नामित पार्षद राजेश शंकर बिट्टू द्वारा जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीन, स्टैंड और 27 कंबल वितरित किए गए। वहीं नामित पार्षद राजेश शंकर ने बताया कि समय समय पर जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहते हैं। जो आज ये कंबल वितरित किए हुए हैं चक्कू मोहल्ला में हमारे निर्वाचित पार्षद राजेश शंकर बिट्टू जी के द्वारा करे गए हैं। हम इनके सानिध्य में यहाँ पे आए हैं। अभी हमने एक केंद्र पे भी सेवा भारती के जो केंद्र चल रहे हैं शाम को 3 से 5 चलते हैं, जिस मानस मंदिर में, जिसमें कि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनको संस्कार देने का कार्य सेवा भारती करती है। तो आज उन केंद्रों पे हमारे द्वारा कंबल वितरित किए गए, गर्म कंबल और 27 कंबल आज हमने यहाँ पे वितरित किए हैं। से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, जब से ठंड बढ़ने लगी है तो हमारे पूरे महानगर में तकरीबन 40 केंद्र चल रहे हैं और जो स्लम एरिया में ही चलते हैं, जहाँ पे निःशुल्क उनको बच्चों की पढ़ाई की जाती है, सिलाई सेंटर चलाए जाते हैं और ये लगातार निरंतर जारी है। यहाँ पर 27 कंबल वितरित किए हैं मानस मंदिर में हमने। वहाँ पर क्या किया हुआ आज, सिलाई केंद्र मशीनों के पैर दिए और सिलाई केंद्र भी हमारा वहाँ चल रहा है। हमारा निर्मित कार्य अक्सर जो है बस्तियों में होता है। राष्ट्रीय सेवा समिति की जो एक ब्रांच है वो है मातृ मंडल द्वारा 27 कंबल जो हमको मुहैया कराए गए थे और हमने जो है इनके माध्यम से जो बस्ती और में रहने वाले और मानस मंदिर में जो संस्कार भारती के द्वारा बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो हमारे बहनें वहाँ पे सिलाई केंद्र में जो सिलाई कढ़ाई सीखती हैं उन बहनों के लिए जो मशीन नीचे बैठ के सिलाई करते थे उनको स्टैंड दिए गए, जो पैर होते जिसे उनको स्टैंड दिए गए और 27 कंबल बस्तियों में मातृ मंडल की जो इनकी टीम के द्वारा हमारे को जो है बोला गया था हमने बंटवाने, तो हमने इनका सहयोग करते हुए साथ में सेवा भाव से हर अंतिम छोर तक जो है पहुँचे हमारी पहुँच सेवा भाव और अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए कंबल वितरित और मशीनों का जो स्टैंड वितरित किए।